सीपीपी डिस्कशन पे अभी हम आते हैं सीपीपी 33 पे। उससे पहले मैं इसी एक्टूट को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। जैसे सपोज कीजिए ये कोई इस तरह का क्वेश्चन हो, एक ब्लॉक यहां है, ये सारी आइडियल पुलिंग है, सपोज ये मास है 6m, ये है 3m, इस तरह का हमें दिया गया और ये है 2m, 2m तो रहने दो, ये m है, ये सिस्टम है। मान लो आपको इक्विलेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता कि भाई इक्विलेंट मास से भी हम कर रहे हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसकी एक्सेलरेशन बताओ कि a कितनी होगी। पहले तो आप एक बार इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से बताओ, इक्विवेलेंट सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट से कि कितनी होगी इसकी एक्सेलरेशन। मेथड फर्स्ट, इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से आप बताएं कि कितनी होगी। आप कीजिए सॉल्व 2 मिनट। मनीष कुमार क्या आंसर आ रहा है बताओ इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से। पहले इसका म्यू बताओ, म्यू कितना आया अगर मैं इसके म्यू की बात करूं तो। सिक्स एम टू टू एम टू एम अपॉन 9m, m से m गया तो इसका जो म्यू आया वो 2m आया। अगर म्यू 2m आया तो आप ये बताओ कि यहां पे जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना होगा। 8m, ये 8m वो m, तो अब तो एक्सेलरेशन आ गई इसकी। क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू जी। एम से एम कट लेना है और ये आएगा 7/9 टाइम्स जी। अच्छा ये बताओ क्या ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया इक्विवेलेंट वाले मेथड से, कैसे एक्सेलरेशन हमने निकाली। यस सर, ये 8 कैसे, 8 कैसे, अभी पिछले लेक्चर में क्या सीखा था हमने। कौन पूछ रहा है एक बार ये बताओ, कौन पूछ रहा है एक मिनट ये बताओ। अरे मुझे ये बताओ क्या पिछला लेक्चर मिस हुआ है क्या आपका। Yes, नहीं, जो अभी तो कुछ और आवाज थी जिसने पूछा था, पता नहीं मनीष ने पूछा था किसने कि ये 8 कैसे आया। अरे एक बार बताओ तो सही, तभी तो मैं समझाऊंगा। Yes, sir. पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या, अभी जो आज हुआ था। सर रह गया था थोड़ा। अरे यार यही तो दिक्कत है ना फिर उसमें, तो उसमें मैंने यही समझाया था क्या जिसने अटेंड किया कि उन सबको समझ में आ गया इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं इक्विवेलेंट मास। तो मनीष भाई वो अपलोड हो चुका है वीडियो और थोड़ी देर पहले हो गया था, 20-25 मिनट पहले। अब एक बार वो देख लेना इस क्लास के बाद कैसे, कोई बात नहीं। पहले इसका रिड्यूस्ड मास निकाला, रिड्यूस्ड मास को 4 टाइम्स लिखा, वो इसका इक्विवेलेंट मास बना और फिर उससे ये एक्सेलरेशन आया। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट से। लेकिन देखो इससे हो गया जल्दी, आपने फटाफट म्यू निकाला, एम इक्विवेलेंट लिखा और ए आ गया। सपोज आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हैं, आप भूल गए हैं कि भाई कितना क्या करना होता है। अब देखो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ गई 7/9g, एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ चुकी है 7/9g। लेकिन अब अगर मैं वैसे करूं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि भाई किस तरह से एक्सेलरेशन लाएं, तरीका देखो, सपोज इसकी एक्सेलरेशन a ऊपर है, ये पुली रेस्ट पे है, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन a ऊपर होगी तो इधर वाली पुली की एक्सेलरेशन a नीचे, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मैंने मानी a1 नीचे, इसकी भी नीचे ही माननी चाहिए क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए भाई ये पुली नीचे आ रही तो हम ये मानते हैं कि पूरा सिस्टम ही नीचे जा रहा होगा, है ना, ध्यान है ना ये दो। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी एक्सेलरेशन ए मानी, इसकी ए वन, इसकी ए टू,
अब अगर मैं देखूं तो वेरिएबल कई हो गए, ए हो गया, ए वन हो गया, ए टू हो गया, और तो और टेंशन ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, इसमें टेंशन मान लो टी वन, और ये अलग रस्सी है, इसमें टेंशन मान लो कितनी टी टू। अब बताओ कितने वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, ना ध्यान से देखो तो कितने वेरिएबल्स हुए, टी वन टी टू ए वन ए टू एंड ए, पांच वेरिएबल हो गए, पांच। देखो इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट ने तो हमें बचा दिया, फटाफट आंसर आ गया, डायग्राम से आंसर आ गया। लेकिन अगर आप वो कॉन्सेप्ट याद नहीं रखते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसे सोल्व होगा। देखते हैं, अब 7/9 जी आंसर आया था, अब देखो क्या होगा, यानी कि आपको कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फाइव इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी तब जाके ये बात होनेगी, पांच इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। चलो तीन तो ब्लॉक है, तीन तो न्यूटन लॉ की बनी, फिर और भी दो इक्वेशन चाहिए, वो कहां से लाए, तो पहले वो तीन तो बनाए फिर आगे बढ़ेंगे। इस पे इक्वेशन बनाओ तो जिधर एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, जिधर एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, नेट फोर्स बताओ इस पे कितना, वेट नीचे, हाँ टी वन माइनस एम जी, एम एम है तो एम जी, टी वन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए, पहली इक्वेशन। इधर आओ, ये नीचे जा रहा है तो आप नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस पे बताओ क्या न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनेगी, 6mg नीचे t2 ऊपर, टेंशन खींचती है हमेशा, इस पे बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो भाई मैं लिखूंगा नहीं तो फिर 6mg माइनस t2 इज इक्वल टू, आगे आगे बोलिए, 6m A1. हाँ कई बार बच्चे सिक्स लेना भूल जाते हैं, बस मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं, सेकंड इक्वेशन। तीसरी 3m पे लगाओ, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए 3m पे इक्वेशन लगाओ, क्या बनेगा, 3mg माइनस t2 इज इक्वल टू 3m इंटू a2, इक्वेशन नंबर तीन। वेरिएबल पांच, तीन इक्वेशन से सोल्व नहीं हो सकते, दो और इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन कहां से, एक इस पे बनेगी। देखो ये पुली जो है ना, ये पुली, ये मासलेस है, मासलेस पुली पे नेट फोर्स कितना होगा, अगर मैं इस पुली को देखूं, इस पुली को, ये वाली पुली, ऊपर ऊपर वाली रस्सी की टेंशन, ऊपर वाली रस्सी की टेंशन कितनी है, कितनी है टी वन, दोनों साइड से नीचे वाली रस्सी की टेंशन टी टू, इस पुली की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पुली का मास कितना है, जीरो, आइडियल पुली है। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मासलेस चीजों में चाहे एक्सेलरेशन हो फिर भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, चाहे एक्सेलरेशन हो फिर भी नेट फोर्स जीरो, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन आना है। देखो नेट फोर्स, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो नेट फोर्स बनेगा टू टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जीरो हो गया, यानी कि 2t2 इज इक्वल टू t1, इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर यार, अब भी एक इक्वेशन की कसर रहेगी, पांच वेरिएबल है, पांचवे इक्वेशन में कहां से लाऊं, नीचे सोल्व नहीं होंगे, पांचवी इक्वेशन कहां से, वाला m की तो बना चुके हम इक्वेशन, ये इक्वेशन m की होगी, ये इक्वेशन 6m की होगी, ये इक्वेशन 3m की होगी, ये एक पुली की होगी। कोई बच्चा सोचे ऊपर वाली पुली पे जाऊं तो आप एक वेरिएबल बढ़ा दोगे, एक नई टेंशन आ जाएगी t3, कोई फायदा नहीं है। बताओ भाई, सोच के बताओ कि और इक्वेशन कहां से लाऊं, पांच इक्वेशन चाहिए लेकिन चार बनी है, अब हम अटक गए तो कैसे लाएं पांचवी इक्वेशन। हाँ जी मनीष कुमार बताओ, क्या क्या कहां से ढूंढूं मैं पांचवी इक्वेशन, हमने एक चैप्टर पढ़ा था कंस्ट्रेंट मोशन, उसमें यही बताया था कि कभी भी न्यूटन लॉ में अटकोगे तो कंस्ट्रेंट पे जाओ। देखो ये पुली नीचे आ रही है कितनी एक्सेलरेशन से, ए, ये एंड नीचे जा रहा है ए वन से, ये एंड नीचे जा रहा है ए टू से, बताओ क्या इक्वेशन बनी पांचवी, ए वन प्लस ए टू अपॉन टू इज इक्वल टू,
a1 प्लस a2 अपॉन 2 इज इक्वल टू a। पांच तो पहले बनानी पड़ेंगी ये इक्वेशन, पांचवी भाई कंस्ट्रेंट, चार इक्वेशन से पांच वेरिएबल सोल्व ही नहीं होते। तो आपके पास पांच इक्वेशन आ गई, अब मुझे इनसे सोल्व करना है a, मुझे इनसे सोल्व करना है a। कैसे सोल्व करूं मैं अब इन पांच इक्वेशन को, a कैसे निकाल के लाऊं, थोड़ा सा बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। देखो पांच इक्वेशन से ए मुझे कैलकुलेट करना है, तो ए मैं कैसे निकाल के लाऊं, आप धीरे धीरे वेरिएबल गायब करो, धीरे धीरे वेरिएबल गायब करो। कैसे, आप इस इक्वेशन से ये काट दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टी टू गायब। मैंने इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू से इक्वेशन नंबर थ्री घटाई, टू से थ्री सब्ट्रैक्ट की, तो सिक्स एम जी माइनस थ्री एम जी इज थ्री एम जी, टी टू से टी टू कट गया, सिक्स एम ए वन माइनस थ्री एम ए टू, तो ये 3m कॉमन और ये अंदर बचा 2a1 माइनस a2। तो मैंने एक वेरिएबल कम कर दिया t2 यहां से, ठीक है। इस तरीके से इन दो इक्वेशन से एक वेरिएबल हमने कम किया t2। और अगला काम, वैसे मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा हूं अभी, ये आप आज करोगे जरूर। देखो आपके पास आंसर है इसका, इसका आंसर आपके पास है, कितना है ध्यान है अभी, ध्यान है ना, इसका आंसर अभी आया था। अरे बोलिए, a इक्वल टू 7/9 जी आया था अभी इसका आंसर। यस सर। अब आपका एक काम ये आपको करना चाहिए कि पांच इक्वेशन वेरिएबल कम कर करके आप a कैसे लाओगे, t1 गायब करो, t2 गायब करो, फिर a1 a2 ले आओ, a1 a2 इसमें पुट करो, उससे a आएगा। आपको सोल्व करके देखना है, लेकिन अब ये बताओ क्या ये सवाल इस मेथड से करना चाहिए या इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट से करना चाहिए, कैसे इक्विवेलेंट वाले से, कितनी जल्दी ये सवाल सोल्व हो रहा है, समझ में आ गया होगा ना आपको, ठीक है। एक आखिरी आखिरी क्वेश्चन में ले रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे फिर वो सीपीपी भी डिस्कस करना है। देखो आपने मैथ्स में ये वाले सवाल किए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू ये अप टू इंफिनिटी। यस सर। कैसे कैसे करते हैं आप इन सवालों को, बताओ कैसे करते हैं आप इन क्वेश्चंस को सोल्व, आप इस पूरे की वैल्यू मान लेते हैं एक्स, हाँ भी ध्यान रहे ना, सेट कर देते हैं स्क्वायर और फिर नहीं रुको, दोनों साइड स्क्वायर नहीं, पहले आप इसको मानते हैं लेट एक्स, अब इनफाइनाइट चीजों में अगर एक आपने हटा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये आगे वाला बचा हुआ पूरा भी एक्स आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब आप एक इक्वेशन बना देते हो अंडर रूट टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और फिर जी आगे स्क्वायर करो और क्वाड्रेटिक सोल्व करो कुछ भी। लेकिन मेन स्टेप क्या है, जब भी कभी ये इन्फाइनाइट इस तरह की चीजें आए तो सबसे पहले अपना इक्विवेलेंट एक्स मानो और फिर एक को गायब करो, उसको भी एक्स मान लो और उसके बाद इसको सोल्व कर लो। बताओ याद आ गया होगा ना, ये ऐसे सवाल करते थे हम। हाँ भाई, ये इक्वेशन बनानी आ गई समझ में, कैसे बनाइए। तो ऐसे ही मैं अब एक सवाल आपको दे रहा हूं एक्चुअल मशीन का, जैसे सपोज कीजिए सारी आइडियल पुलीज होंगी, यहां एक मास अटैच है एम, फिर दोबारा यहां एक मास अटैच है एम, फिर दोबारा यहां एक मास अटैच है एम, यहां एक मास अटैच है एम, और भाई ये सिस्टम बोला गया है कि एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है इस तरीके से। आपको ये बताना है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, ये बताना आपको कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। क्वेश्चन आया कुछ समझ में? यस सर। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से स्टार्ट करना है, एक आइडिया आपको दे दिया है कि कैसे ये स्टार्ट करना है।
यही इक्विलेंट वाले कॉन्सेप्ट से करो, और तो किसी तरह से आप बहुत बड़ा ले जाओगे इस सवाल को इक्विलेंट वाले कॉन्सेप्ट से। करवाऊं मैं सोल्व करवाऊं या ट्राई करेंगे आप? सर एक मिनट, एक मिनट नहीं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये ट्राई करने के लिए, आप ट्राई कीजिए ताकि मैं अभी पेपर डिस्कस करवा दूं सीपीपी 33। आप आराम से कर लेंगे क्या इसे ट्राई? यस सर। ये होमवर्क है और जैसे मैंने आपको तरीका बताया वो एक्स वाला, उस तरह से आप सोचना कि क्या करना है क्या नहीं, खुद करना है यार, कभी कहीं से ढूंढने की कोशिश करो किसी किताब से नेट पे ऐसे नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या सॉल्यूशन मिले, जो भी मिले आप खुद करना, ये ट्राई करना कि भाई किस तरह से बताया। और मनीष कुमार या जो जिसने भी पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया वो अटेंड करके कम से कम एटूड मशीन ढंग से आज पूरी कर ले, क्या तरीका है क्या नहीं, ठीक है? तो चलें अभी मैं पेपर डिस्कशन पे आता हूँ, सीपीपी 33 ये आपका होमवर्क में है ही लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। आप इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ पुलिस, दिस इज इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ पुलिस, ये जो आपको ट्राई करना है। अब देखो आपके इस पेपर में 12 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 1 मैं इधर डिस्कशन ले रहा हूं तो डाउट वो बोलना, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला सवाल है, देखो ये ऊपर एक छत है, इस पे एक आदमी खड़ा है और ये दोनों साइड से रस्सी खींच रहे हैं, और दोनों साइड से ये जो रस्सी खींच रहा है उन रस्सियों की स्पीड दे रखी है यू, आ गया होगा ध्यान क्या है सवाल, इधर ये अटैच है फिक्स पॉइंट, ये पुली एक प्लेटफॉर्म से अटैच है, ये ऊपर तक गया, यहां एक पुली फिक्स है इसके साथ, एक और पुली फिक्स है, ये पुली अगेन इससे अटैच है और ये रस्सी यहां से यूं जा रही है। भाई ये डायग्राम है, ये कोई ब्लॉक है, इधर से भी इस रस्सी की स्पीड यू है, ये खींच रहा आदमी, और इधर से भी इस रस्सी की स्पीड है यू, तो इन्होंने पूछा कि एम वर्टिकली चल रहा है, ये इन्होंने दिया है, तो एम की स्पीड क्या होगी? ये सवाल हो गया था क्या आपसे एग्जाम में? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए, देखो कैसे होना था, अगर इसकी स्पीड यू है, ये पुली रेस्ट पे है, तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी? यू। ऐसे ये पुली रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड भी आपकी यू हो जाएगी, क्लियर? अब देखो इस पुली को देखो, ये एंड रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड जीरो, इधर वाले की स्पीड जीरो, पुली की स्पीड यू, तो इसकी स्पीड कुछ वी मान लो, वी डैश मान लो, तो बताओ वी डैश कितना होगा कंस्ट्रेंट वाले 1D फॉर्मूले से, वी डैश कितना होगा 1D फॉर्मूले से बताइए, इक्वेशन क्या बनेगी? U इज इक्वल टू जीरो प्लस वी डैश बाई टू, तो यहां से वी डैश कितना आ गया 2U, वी डैश आया, मतलब आपको ये पता लग गया कि भाई ये जो एंड है रस्सी का ये ऊपर जा रहा है 2U से, मान लो इस एम मास की स्पीड वी है जो मुझे निकालनी है, सपोज कीजिए एम मास की स्पीड वी है जो मुझे निकालनी है, तो इसका मतलब ये पुली ऊपर जा रही होगी वी स्पीड से और ये एंड ऊपर जा रहा है 2U से, ठीक है? इतनी बात हम जान चुके हैं, और देखो तो ये बताओ ये एंड कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, मैं इसे वी डैश बोल दूं, मुझे वी निकालना है, इस पुली को देखो, इस पुली को, पुली ऊपर जा रही है वी से, ये एंड ऊपर जा रहा है 2U से और ये वी डैश से, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी 1D इक्वेशन, V2U प्लस वी डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू वी, तो यहां से वी डैश आ रहा है 2V माइनस 2U, वी डैश आ गया 2V माइनस 2U। अब देखो ये वी डैश ऊपर गया, ये पुली रेस्ट पे है तो ये इधर भी वी डैश से जाएगा, अगेन ये पुली रेस्ट पे है तो ये नीचे आएगा वी डैश से, ये नीचे आएगा वी डैश से, परंतु ये पुली ऊपर जा रही है वी से, पुली ऊपर जा रही है वी से, ये एंड ऊपर जा रहा है यू से और ये एंड नीचे आ रहा है वी डैश से, इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी 1D इक्वेशन, क्या बनेगी? पुली की स्पीड इज इक्वल टू, बोलिए भाई आगे बोलो क्या इक्वेशन बनेगी, सर
ना, गलत बोल रहे हो, माइनस वी डैश क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस वी डैश प्लस यू बाई टू, क्लियर। और यहां से अगर आप वी डैश निकालोगे तो टू वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी डैश प्लस यू, तो यहां से वी डैश आ गया यू माइनस टू वी, यहां से वी डैश आया यू माइनस टू वी, और यहां से वी डैश आया टू वी माइनस टू यू, तो वी डैश तो सेम होगा कहीं से भी आए, तो आपने इक्वेट किया टू वी माइनस टू यू इज इक्वल टू यू माइनस टू वी, टू वी इधर आके जुड़ा तो फोर वी इज इक्वल टू थ्री यू, एंड यहां से जो वी आया वो आ गया थ्री बाई फोर टाइम्स यू, और सेम रिलेशन इनके एक्सेलरेशन में होगा, अगर इन दोनों की एक्सेलरेशन ए होती तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाती थ्री बाई फोर टाइम्स ए। अभी बताओ क्या पहला सवाल कंस्ट्रेंट का क्लियर हो गया है सभी को? यस सर। ठीक है, सेकंड मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, ये आपका होमवर्क हमने दिया है ताकि आपके ध्यान रहे क्या है, मैं उधर ही करवा दूंगा पेपर सोल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, सेकंड तो एक शायद कल की क्लास में डिस्कस हो चुका था ये पार्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, अर्थ इज पुलिंग द बॉडी विद अ फोर्स एम जी, अर्थ इज पुलिंग द बॉडी विद अ फोर्स एम जी, इस बॉडी पे हाँ कोई नॉर्मल रिएक्शन इसका रिएक्शन पेयर नहीं होगा, अगर मैं इसको एक्शन बोलता हूं तो रिएक्शन पेयर होगा कि ये बॉडी भी अर्थ को पुल कर रही होगी विद द सेम फोर्स एम जी, तो इसका आंसर हो गया सी। अब किसी ने ये लगाया था क्या इसमें कि भाई टेबल इज पुशिंग द बॉडी विद द फोर्स इक्वल टू एम जी, कोई है बच्चा तो ये लगा के आया था कि भाई टेबल ने इसको पुश कर रखा होगा नॉर्मल रिएक्शन एम जी से? वैसे कल मैं आपको क्लियर कर चुका था ना क्लास में कि ये कौन सा एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। ठीक है, थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे लगते हैं? नहीं लगते। दूसरा हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या कॉज एंड इफेक्ट होता है भाई, एक पहले लगा उसका इफेक्ट तो दूसरा हुआ? नहीं होता। हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्लियर ना थर्ड। अब मैं आता हूं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये किस किस से हुआ, ये रोम्बस वाला था? यस सर। हो गया एग्जाम में पेपर में? यस सर। ठीक है, इस तरह से रोम्बस की साइड छोटी होती जा रही है, ये इसका डायग्राम है और इस एंड को खींचा जा रहा है वी स्पीड से, ये ए वन है, ये ए टू है और ये ए थ्री है, तो इन्होंने पूछा है कि अगर उसको वी से खींचा गया जिस वक्त उसकी स्पीड वी है तो आपको ए टू की स्पीड बतानी है कि ए टू की स्पीड क्या होगी, हम ए टू क्या ए वन की भी बता देंगे, जब ए थ्री की स्पीड वी है तो ए टू ए वन मतलब ए टू की बतानी है आपको, तो बट कैसे निकालते हैं तरीका सुनो, ये सब इस लेंथ के अलोंग बढ़ते जा रहे हैं, इस लेंथ के अलोंग, इस लेंथ के अलोंग, सपोज कीजिए ये लेंथ है एक्स वन, यहां से टू तक की लेंथ है एक्स टू, और यहां से थ्री तक की लेंथ है एक्स थ्री, तो भाई एक बात बताओ, क्या आप इसको देख के ये कह सकते हो कि v इज इक्वल टू डी एक्स थ्री बाई डी टी, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ये x एक्सिस मान लिया मैंने, ये मैंने x एक्सिस मान लिया और ये ओरिजिन मान लिया, तो ये पोजिशन एक्स वन, ये पोजिशन एक्स टू, ये पोजिशन एक्स थ्री, तो स्पीड होता है d बाई डी टी ऑफ पोजिशन, आप बताइए क्या ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई बोलो, आ गई। तो ऐसे ही v2 बोलो, अगर मैं इसकी स्पीड को v2 बोलूं तो v2 कितना होगा? v2 dx2 upon dt, and v1 कितना होगा? v1 अगर इसकी स्पीड को v1 बोलते हैं तो dx1 upon dt, तो मुझे x1 x2 x3 में रिलेशन चाहिए और वो यहां पे पुट कर देंगे। अच्छा, उसके लिए इन्होंने साइड्स का रेशियो दिया है कि रोम्बस की साइड्स हैं 5 is to 3 is to 2, 5 is to 3 is to 2 का मतलब है मैंने माना कि लेट इसकी साइड है 2a, तो इसकी साइड होगी 3a और इसकी साइड होगी 5a। हाँ जी, ये बात आई समझ में? 5 is to 3 is to 2। ठीक है, एक रोम्बस जितना बड़ा होगा उसका डायगोनल उतना ही बड़ा होगा, डायगोनल की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइड लेंथ के,
डायगोनल की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइड लेंथ के। एक रोम्बस जितना बड़ा होगा उसका डायगोनल उतना ही बड़ा होगा। रोम्बस की साइड लेंथ डबल करोगे डायगोनल भी डबल हो रहा होगा। तो ये देखो यहां पे क्या होगा, अगर ये 2a 3a 5a है तो इसका डायगोनल अगर 2d है तो इसका डायगोनल कितना होगा बताओ, 3d, और इसका डायगोनल कितना होगा 5d। अब मुझे बताओ x1 तो दिख रहा है 5d, x2 कितना दिख रहा है आपको, x2 8d, x3 कितना दिख रहा है, x3 10d। इसको यार कैपिटल डी बोल दो क्योंकि स्मॉल डी तो डिफरेंशियल के लिए यूज कर रखा हमने। ये हमने बोला कि कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। अब आप देखो मैं तीनों वैल्यूज उसमें पुट करूं। सबसे पहले मैंने x3 पुट किया, x3 तो इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू d/dt ऑफ x3। x3 कितना है 10d, 10 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, यानी कि dd/dt, dd/dt की वैल्यू आ रही है v/10, v/10 मतलब 0.1 इंटू वी। ये बताओ ये इक्वेशन आई समझ में? अब मुझे v2 निकालना है तो इसका यूज कर लो, v2 d/dt ऑफ x2, x2 कितना है, x2 8 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और dd/dt, और dd/dt आप ऊपर निकाल के लाए, और dd/dt कितना है 0.1, तो ये आपने इसमें रखा तो कितना आ गया आंसर 0.8। तो ये था ये सवाल कंस्ट्रेंट के ऊपर इस तरह से। इसीलिए मैंने कहा कि खाली कंस्ट्रेंट में कोई लिमिट नहीं है कि आपने पुली कंस्ट्रेंट पढ़ लिया, आपने कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट पढ़ लिया, कुछ भी आ सकता है यार, जैसे ये वाला सवाल था। अभी बताओ क्या रोमस वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन नंबर 5th, पांचवा सवाल मैंने क्लास में करवा दिया था, है ना, CPP में दिया था, पर यहां थोड़ा सा चेंज करके दे दिया आपको। CPP में दिया था ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये ए है, यहां एक फिक्स पॉइंट था, ये एक पुली थी जो एक मूविंग ब्लॉक से अटैच थी, ये यूं आई थी। बताओ ये वाला क्वेश्चन करवाया था कि नहीं? और हमने कहा था अगर इसकी स्पीड भी है तो इसकी क्या होगी, और आपको याद होना चाहिए इसकी निकल के आई थी 3/2b, याद आ गया होगा ना ये सवाल पिछले 10 सवालों वाले CPP का। लेकिन इसमें मैंने वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए नहीं पूछा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी पूछी है मैंने, पूछा है सवाल में वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी ये क्या होगी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी पूछोगे तो उसके लिए बी को रेस्ट पे लाना होगा, अगर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बी पूछोगे तो उसके लिए बी को रेस्ट पे लाना होगा, तो आपको इसमें वी घटाना होगा, इसमें वी घटाया तो इसमें भी आप वी घटाएंगे, क्लियर, जब ये रेस्ट पे आएगा। तो अब इसकी स्पीड बताओ कितनी बची, आगे की तरफ बची उधर की तरफ कितनी बची, 3/2 v - v, v/2 आगे की तरफ, तो टुवार्ड्स राइट। अच्छा अब ये बताओ क्या कोई बच्चा पेपर में, वैसे तो 7 ही बच्चों ने पेपर दिया था, क्या उनमें से कोई बच्चा 3v0/2 लगा के आया था आंसर, 3/2v0? अरे मुझे बताया तो करो आप, क्या किसी ने भी 3/2v0 लगाया था या उतना भी नहीं किया, वहां तक भी नहीं पहुंचे? कितने बच्चों ने, कितने बच्चों ने v0/2 लगाया था जो सही आंसर है वो? यस सर भी आप एक ही बोल रहे हो, तो कोई बता ही नहीं रहा। चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा यार थोड़ा सा आप रेस्पॉन्सिव रहो बोलने में, यूं थोड़ी मजे आते हैं, बताओ मैं पूछ रहा हूँ आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ क्या v0/2 ये बोल रही है, इनके अलावा किसी और का आया था v0/2 आंसर इस क्वेश्चन में? नहीं। और किसी बच्चे ने 3/2v0 लगाया था क्या एक बार, ये तो बताओ ताकि मुझे ये तो रहे कि हाँ इतना तो आता था आपको। 3/2v0 लगाया तो ये गलती कर दी ना आपने, इतना आने के बाद भी एक बार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है ना, आगे से नहीं करनी है गलतियां, ठीक है? Okay. 6th, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अब भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पार्टिकल, अब देखो लास्ट टाइमिंग चल रहे हैं, मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है, आखिरी के 5-10 मिनट चल रहे हैं, आप फटाफट कीजिए। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू
न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है फोर्स की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि और जो तीन ऑप्शन दिए थे सब में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये यही एक ऑप्शन था कि जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, शायद हो गया होगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज एग्जाम्पल फर्स्ट, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख लेना, जब भी कोई चीज किसी से अलग हो जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, ना कि जहां से अलग हुआ उस पर। ये फर्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल है आपकी बुक का, वहां से देख लेना, अलग होते ही उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इंटरस्टेलरशिप में इसमें कुछ भी नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो तो उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, सेवंथ हो गया था क्या एस्ट्रोनॉट वाला क्वेश्चन? बोला था कि पढ़ लेना, हमने कहा था पढ़ लेना और फिर वही पेपर में डाला है। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, सीपीपी 33 क्वेश्चन नंबर एट, अगेन एक कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है ये, है ये डायग्राम है, आर्मी वाला डायग्राम है, ये पुली रेस्ट पे और ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, देन ये यहां पे आया, ये पुली इसके साथ अटैच है और ये रस्सी यहां से घूमती है, एक और पुली इसके साथ अटैच है और ये रस्सी यहां से घूमती है, एंड ये आदमी यहां पे है और ये इसको खींचने लग रहा है। हाँ जी भाई, ये आ गया सवाल समझ में, ये वाला क्वेश्चन इसमें कहता है ये जो पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग आदमी के हाथ में है इसकी स्पीड नीचे की तरफ दे रखी है क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, ये जो इतना बड़ा ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है। किस किस का ये सही हुआ पेपर में, 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है? Yes, sir. देख लो फटाफट, ये इसको खींचेगा तो ऊपर चलेगा, मैंने माना कि इसकी स्पीड वी है, अब देखो यहीं से स्टार्ट करो, इसकी स्पीड वी है तो ये एंड ऊपर जा रहा है वी से, ये पुली रेस्ट पे है, ये एंड ऊपर जा रहा है वी से और ये पुली रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये एंड नीचे आ रहा होगा वी से, ये एंड नीचे आ रहा है वी से, लेकिन ये पुली रेस्ट पे नहीं है, ये पुली रेस्ट पे नहीं है, तो अब आप ये बताओ ये एंड इधर कितनी स्पीड से जाएगा, कोई वो डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, वी से आया तो वी से गया, क्योंकि ये ब्लॉक वी से जा रहा है, इट मीन से पुली भी वी से जा रही है, और वन डी मोशन है नहीं कि वी प्लस यू बाई टू कर दें आप, तो आपको पहले तो ये बताओ इस एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है टुवर्ड्स द पुली, इस एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है टुवर्ड्स द पुली, ये वी से आ रहा है वी से जा रहा है, तो इस एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है टुवर्ड्स द पुली, पुली इसकी तरफ वी से जा रही है, ये पुली की तरफ वी से जा रहा है, तो उस एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है टुवर्ड्स द पुली, जवाब नहीं दे रहे हो यार आप। अरे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों की कैसे निकालते हैं जब एक दूसरे की तरफ होती है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? सर ऐड। ऐड करना है, तो बताओ ना इस एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है टुवर्ड्स द पुली, टू वी हो जाएगी ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स द पुली 2v, तो यानी कि ये एंड भी सेपरेट हो रहा होगा कितनी स्पीड से, 2v से, ठीक है। अब देखो ये पुली इस साइड तो आ नहीं रही, ये इधर चल रही है वी से, उससे फर्क नहीं पड़ना इसका मतलब, क्योंकि कंपोनेंट नहीं हो रहा भैया, आपको अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन वाला ध्यान हो तो आपको इनका कंपोनेंट करना होता था अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये एंड आ रहा है 2v से और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंड अप्रोच कर रहा है 2v से, ये एंड अप्रोच कर रहा है 2v से, ये वाला जो एंड है ये इस पुली को अप्रोच कर रहा है 2v से, मैं एक बार दिखाऊं आपको, ये एंड आ रहा है 2v से और ये पुली ऊपर जा रही है वी से, तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है 2v, क्योंकि इसका कंपोनेंट वी कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी 2v। अब आप दूसरे एंड को देखो, दूसरा एंड नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 2 से, यहां देख लो ना, अब दूसरा एंड नीचे जा रहा है क्वेश्चन में दिया है 2 से और पुली ऊपर जा रही है वी से, तो इस एंड की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ पुली से कितनी है, बताओ यार, टाइम हो जाएगा फिर मीटिंग ही नहीं बचेगी हमारी, 3 मिनट बचे हैं, बताओ ये एंड इधर जा रहा है 2 से,
पुली ऊपर जा रही है बी से, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, कितनी कंपोनेंट कर देनी है क्योंकि इसी लाइन के अलोंग दोनों है, तो बताओ कितनी इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, इस एंड की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v प्लस टू, अगर ये टू से उधर भाग रहा है वो v से उधर भाग रहा है तो दोनों ही तो सेपरेट हो रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? एड हो जाएगा, एड होगा। और एक एंड की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वही दूसरे एंड की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, यानी कि v प्लस टू इज इक्वल टू टू वी, इस v को उधर घटा दो तो टू इज इक्वल टू v, यानी कि जो v आया वो 2 मीटर पर सेकेंड है। देखो एक अच्छा सवाल है, ये इतना आसान नहीं है कि आप सोचे कि फटाफट ही मैं सीधा सोच रहा हूं ये क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको हर जगह ये देखना है ध्यान से कि क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्या सेपरेशन है। मैं दोबारा बताऊं कि आ गया है समझ में? ये थोड़ा ध्यान से देखना है कैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाला, फिर वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे हुआ, फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुआ, फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ, और उससे इक्वेशन बनी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी देखो 2 मिनट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 शायद हो गया होगा कि किसमें न्यूटन थर्ड लॉ की जरूरत नहीं पड़ रही। रोविंग ऑफ ए बोट इन ए पॉन्ड, आप नदी में बोट आगे चलाते हैं तालाब में, तो आप उसको पीछे की तरफ धक्का मारते हैं पानी को उस चापू से, तो बदले में पानी उस पर फोर्स किधर लगाता है भाई? न्यूटन थर्ड लॉ, आगे जिससे वो चलता है। मोशन ऑफ जेट इन द स्काई, जेट प्लेन जब चलता है, जेट प्लेन तो उसमें वो धुआं छोड़ता चलता है, वो मैटर को बाहर फेंकता चलता है, तो वो मैटर पे फोर्स पीछे लगाता है, बदले में मैटर उस पे फोर्स किधर लगाता है? आगे। न्यूटन थर्ड लॉ। रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल फ्रॉम ए वॉल, आपने दीवार के बॉल फेंक के मारी, तो दीवार ने बॉल पे फोर्स, सॉरी बॉल ने दीवार पे फोर्स आगे लगाया, बदले में दीवार ने बॉल पे फोर्स किधर लगाया? पीछे, उससे वो रिबाउंड होता है। आखिरी ऑप्शन था रिटर्निंग बैक ऑफ ए बॉडी थ्रोन अबव, मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, वो नीचे क्या न्यूटन थर्ड लॉ से आता है क्या, बताओ? उस पर तो लगातार एक फोर्स ग्रेविटी का नीचे लगता रहता है, वो तो इस वजह से रिटर्न करता है, तो आखिरी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ये फर्स्ट लॉ पे बेस्ड मैंने करवा दिए थे स्टेटमेंट, हो गया होगा ना आपको? सर इस पर प्लीज फोर्थ बता दो। देखो सुनो, पहला ऑप्शन ए, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, पहली बात ये ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा था इसमें, इनकरेक्ट, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम, क्या यही डेफिनेशन थी इनर्शियल फ्रेम की? ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा, फॉर रूटीन अफेयर्स जो आमतौर पे हम लेते हैं, मतलब अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ए गुड अप्रोक्सीमेशन, क्या हमने अज्यूम कर लिया था कि नहीं कि अर्थ पे कोई भी फ्रेम होगा वो इनर्शियल होगा? हाँ, तो ये भी सही है। तीसरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इटसेल्फ डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन एन इनर्शियल फ्रेम, ये बात गलत है क्योंकि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम तो डिफाइन ही न्यूटन फर्स्ट लॉ से हुए थे, सेकंड और थर्ड लॉ की तो जरूरत पड़ी नहीं, कंप्लीट डेफिनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ से आ जाती है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और चौथा, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्व्स इनर्शियल, अगर आपको दिया है कि कोई फ्रेम इनर्शियल है, कोई फ्रेम इनर्शियल है और उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मूव भी कर रहा है, मान लो मैं अर्थ पे बैठा हूं, सपोज कीजिए मैं अर्थ पे हूं और मैं रेस्ट पे हूं, मैं अर्थ पे हूं और मैं रेस्ट पे हूं, इसका मतलब यह है कि मैं एक इनर्शियल फ्रेम हूं। अब मेरे रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मूव भी कर रहा हो, मेरे रेस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा मूव भी कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो उसकी भी एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। एक इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में जितने भी दूसरे फ्रेम होंगे जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे वो सारे के सारे इनर्शियल होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें केवल गलत स्टेटमेंट थी सी। अभी आप देख लीजिए, मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपकी मीटिंग बीच में ओवर होगी लेकिन कोई बात नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी जो भी ये लेक्चर चल रहे हैं। सीपीपी 33 क्वेश्चन नंबर 10th ये हुआ, पहले मैं 12th पे आता हूं, फिर एक लास्ट बचेगा 11th, उस पे आएंगे। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज, अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, और अगर पी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो इसका मतलब डीपी बाई डीटी हो गया जीरो, यानी कि उस पर जितने भी टोटल फोर्स लग रहे होंगे बाहर से वो एफ नेट जो होगा वो सारा जीरो हो जाएगा। तो ये आपका था 12th। अब बचा एक आखिरी सवाल 11th, वो भी मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11th हम देख लेते हैं। देखो इसमें ऐसा दिया गया है कि ये एक ब्लॉक है,
ये ब्लॉक आगे जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। एक रोड है जिसका एक एंड फिक्स है ग्राउंड पे और ऐसे अटैच है, मतलब तो सर्कल में चलेगा बी पॉइंट, क्योंकि एक रोड है और उसकी लंबाई फिक्स है, ए एंड फिक्स कर रखा है, और जो ब्लॉक है वो आगे चल रहा है रूट 3 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ एंड बी ऑफ द रोड बतानी है कब, जब ये एंगल है 60 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ एंड बी ऑफ द रोड बतानी है जब ये एंगल है 60 डिग्री। तो मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बी पार्ट चलेगा ये एक सर्कल में चलेगा, बी पार्ट जो चलेगा वो हर वक्त एक सर्कल में चल रहा होगा क्योंकि ये लेंथ फिक्स है। अब आपको ये देखना है कि अगर ब्लॉक की स्पीड आगे की तरफ अंडर रूट थ्री है, अगर ब्लॉक की स्पीड आगे की तरफ अंडर रूट थ्री है तो आपको ये बताना होगा कि इसकी एंड बी की स्पीड कितनी होगी, कैसे कैसे निकालें भाई। बी की स्पीड, बी एक सर्कल में चलेगा, इट मींस इस समय जो बी की स्पीड होगी वो इधर होगी वी बी, और जब दो चीजें कॉन्टेक्ट में हैं तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की स्पीड सेम होगी। तो ये तो है कॉन्टेक्ट सरफेस, एक बार मैंने बी के लिए बनाया और एक बार कॉन्टेक्ट सरफेस बनाई इस ब्लॉक के लिए, एक बना दी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट पे है सवाल। ये बी पॉइंट तो जा रहा है इधर विद वेलोसिटी वी बी, और जो ब्लॉक है वो जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद वेलोसिटी रूट 3 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट जब भी होता है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम, वेलोसिटी सेम, ये करना होता है। तो एक बार थोड़ा एंगल की तरफ हम चले, ये 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये आपका बना 30 डिग्री, क्लियर। तो ये 60 डिग्री, तो ये बना 30 डिग्री, तो इस VB का जो कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज VB cos 30, एंड इसका जो आगे है वो रूट 3, और परपेंडिकुलर के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की स्पीड सेम होती है, इट मींस VB cos 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3, cos 30 हो गया रूट 3/2, तो VB इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया और यहां से VB आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, जो आपका इसमें आंसर था। तो भाई बच्चों सुनो, मैंने आपको सीपीपी नंबर 33 या यूं कहें आपका जो पिछला टेस्ट था बिल्कुल कम्प्लीटली सोल्व करवा दिया है। साथ में आज की जो हमारे 80 मिनट्स के लेक्चर होंगे, दो बार 40-40 मिनट के, साथ में मैं आपको एटवर्ड मशीन पूरा पढ़ा चुका हूँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो सिखा चुका हूँ, एक क्वेश्चन जो मैंने अभी तक नहीं मिटाया है बोर्ड से, आप देखिए जो आपको होमवर्क में दिया है इन्फिनिट नेटवर्क, और मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ इक्विवेलेंट मास मान के आपको करना है, इधर इधर का इक्विवेलेंट मास आप एक्स मान लेना, देखो मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा, इधर इधर का इक्विवेलेंट मास आप एक्स मान लेना, फिर एक को हटाना उसका भी एक्स मानना, और फिर आप करना कि कैसे होगा जैसे वो करना था अगली क्लास में, जो कि कल होगी। शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से कर रहे होंगे, ठीक है, थैंक यू।